हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कावासाकी निंजा 125 के बारे में। सो अगर आपको निंजा 125 के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कावासाकी की निंजा 125 का 2020 मॉडल रिसेंटली ही इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में अनवील हुआ है, और इंटरनेशनल मार्केट में ये बाइक जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, निंजा 125 कम्प्लीटली इंस्पायर्ड है निंजा 250 SL से, और इस बाइक के बॉडी ग्राफिक्स और कलर पैटर्न को निंजा सीरीज से ही लिया गया है। दोस्तों, इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में इस बाइक का प्राइस काफी हाई है। इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग इस बाइक का इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है 4 लाख। दोस्तों, इस बाइक के इंडिया लॉन्च के बारे में अगर बात करें तो कावासाकी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कोई अपडेट नहीं है, लेकिन दोस्तों KTM की RC125 को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी सक्सेस मिली है। सो निंजा 125 का भी इंडिया में लॉन्च होना पॉसिबल है। सो लॉन्च की अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है दिसंबर 2020। प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,50,000। दोस्तों, इस बाइक के स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो निंजा 125 के अंदर 125cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 15 HP की एट 10,000 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11.7 Nm का एट 7,700 RPM। दोस्तों, कावासाकी की निंजा 125 अगर इंडिया में लॉन्च होती है तो फिर ये बाइक 125cc सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल बाइक होगी। इस बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो फ्रंट में सिंगल हेलोजन हेडलाइट है, रियर में स्मॉल LED टेल लाइट है, और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। निंजा 125 स्टील ट्रेलिस फ्रेम पे बेस्ड है, और इस बाइक के अंदर 37mm के कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। दोस्तों, निंजा 125 का एग्जॉस्ट सिस्टम भी निंजा 250 SL से इंस्पायर्ड है। निंजा 125 के अंदर RC125 के जैसे एरोडायनेमिक एग्रेसिव डिजाइनिंग है। इस बाइक के अंदर 290mm की फ्रंट डिस्क है, 220mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। लेकिन अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती है तो हमें इस बाइक में सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी को ये करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये थी सारी अपडेट कावासाकी निंजा 125 के बारे में। इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है दिसंबर 2020, और एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,50,000। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।